करना बड़ा अच्छा लगता है। भाभी बस ऐसे ही जरा झाड़ू मारना था। अच्छा सुनो, झाड़ू लगाने के बाद बाथरूम भी साफ कर लेना। पूरे शहर के बाथरूम साफ करके आज से मेरा दिन भूल नहीं, स्वीपर में। ठीक है ठीक है, लेकिन बाथरूम जरूर साफ कर ले। माली, शुगर है, मवाली नहीं बोला, फरमाइए। ये मकान नंबर 2026 है। 2026 सुनी, 26B है। वैसे फरमाइए। हमें इस घर के मालिक से मिलना है। इस घर का मालिक तो मेरी बीवी का शौहर है और वो मैं खुद हूँ। फरमाइए काम क्या है। दरअसल हमें राधे सर से मिलना है। राधे के सर से मिलना है, पूरे राधे से नहीं मिलना जी? नहीं, मेरा मतलब है क्यों मिलना है। वो हम उन्हीं को बताएंगे, आप जाके कहें कि हम आए हैं। हम अच्छा, ये पकड़े। नहीं जी? मैं आई। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो ये कैप्सूल खा लीजिएगा जी। मेरा मतलब है आप लोग आराम से बैठे, राधे आते ही होंगे। अच्छा। असलम पानी लगे। लानत है सर, अगर आप मुझे बता देते तो मैं गदागड़ी भेज देता। क्या पी गया? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं, कुछ तो पीना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक लाइए, फटाफट पैसे दीजिए, मंगाता हूँ। थैंक यू। ये ले, दो बोतलें और तिल के लड्डू लिया, बाकी के तू रख लेना। और सुन, सिगरेट इधर बस है, देता जाए यार, मेरे बाथरूम में खत्म हो गया। मंगवा भी लिया अगर कभी। ध्यान से तो भरी नहीं छोड़ना है, अगर टिक्का विक्का खाना तो 1000 रुपए और दे। ये सुन, वो बर्तन दे ये ले। कैसी याद की शांति? सर हमारी एक प्रॉब्लम। कौन है? सर ये मेरी दोस्त है मंजू। आप इनको बात करने देंगी? जी सर। आप कहीं नहीं जाएगी? सर बात ये है कि सर वो हमारी बकरी कल्लू ले गया है और वो जो है ना वापिस ही नहीं कर रहा। और इतनी सी बात के लिए आप मेरे पास आ गई। अगर कोई हाथी होता, घोड़ा होता या गधा होता तो मैं आपकी मदद भी करता, लेकिन बहरहाल आपकी बकरी आपको मिल जाएगी। प्लीज जरा आप ये उठाएंगी जी? उठाएंगी आप? रख दीजिए। बोल लीजिए। वैसे आप तो अभी घर ही रहेंगे ना जी, तो आप बाहर निकल के पी लीजिएगा। प्लीज चीयर। प्लीज ओके ओके। लाना थे सर। फिरी की बोतल में बड़ा टेस्ट होता है, और जब भंगी पिए तो मजा ही कुछ। वो दोनों का बॉस आज वो दोनों डेट मारने का। एक तो मैं तुम लोगों की रोज डेट मारने से बहुत तंग हूं, साले किसी दिन तुम लोगों की अपनी डेट एक्सपायर हो जाएगी। आओ आओ राधे मोहन। सुना है तुम निर्जरा की बकरी लेकर आए? बकरी लेने आए हो? ले जाओगे बकरी? झगड़ा करने की क्या जरूरत है, बेचता है। कितने पैसे देगा तू? तू कितने की देगा? 2000। कभी अपने भी खर्च कर लिया कर यार। 1500 है। 500 उधार करता है। तेरे लिए चलता है, लेकिन 500 दे देना, भरोसा कर जा।
वहां खड़ी है बकरी, ले जा। वो बकरी है? हाँ, दूर से तो कुत्ता नजर आ रही है। अच्छा, बकरी होगी। ये जानता है ना? कौन है तू? देगा दोस्तों। बकवास है। बकरी ले रहा। ए, वो अब तक आए क्यों नहीं? जा जाकर देख उन दोनों को। साले निकल जाते डेट मारेंगे। कैसे हो? लाना थे सर। तुम्हारी बकरी का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सर। आप इनको बात करने देंगी? जी सर, बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई है। ओके। हमारी बकरी दूध नहीं दे रही। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। क्यों, घर क्यों जाएगा? हो सकता है मुझे देख के देना शुरू कर दे। ओके सर, लाना थे सर। क्या बात है राधे, आजकल बड़ी नालते दे रही है। नहीं, वो हस्ती बहुत अच्छा है। अबे यार, हस्ती तो उसकी दादी बहुत अच्छा है, इसकी नानी भी बहुत अच्छा है, तू कभी उनको देखने तो नहीं आया? नहीं, वो क्या कहते हैं, वो पकौड़े बहुत अच्छे बनाते हैं। तूने पकौड़े भी खा लिए? छोड़ना है। वैसे राधे, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। पूरी दाल ही काली हो गई यार। राधे भैया फंस गए बरकत मसीह की बेटी से। छोड़ना है यार। छोड़ यार, छोड़, जब भी देखो छोड़, खराब करते रहते। छोड़। मेरा मतलब राधे की दादी, ये राधे कुछ बिगड़ नहीं गया? पहले बिगड़ा हुआ था, अब बहुत सुधर गया। सुधर गया? क्या मतलब है तुम्हारा? उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसे एक लड़की से प्यार हो गया? तो यकीनन लड़की को भी उससे प्यार हुआ होगा। हमें कभी उससे प्यार नहीं आया, उसे कैसे उससे प्यार हो गया? कौन है वो लड़की? वो जमादार की बेटी है। ये वही जमादार तो नहीं जो कपड़े उतार कर गटर साफ करता है? हाँ, उसकी बेटी है निर्जय। बहुत खूबसूरत भंगल। बहुत खूबसूरत है क्या मतलब? सड़क पर झाड़ू लगाते हुए परिस्थान की भंगल लगती है। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं रिश्ता भंगियों में ही करूंगी। क्या अपने लिए भी कोई बरकत मसी देख लिया? देखने की क्या जरूरत है? आप तारा मसी से कम है क्या? तुम बस करो, टाइल बांध रही हो या बकरा बांध रही हो? वाली बातें कर रहे, मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। इसी से तो पता चलता है कि तुम पंगन हो। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये और ये ताली। क्या वजह? ताली ताली। ये मत समझना कि मैं खुश रहा हूँ। एक साला कितने घटिया अंदाज में समझा रहा है। मुझे समझो कि ये तुम हो और ये मैं। ये जिस तरह ये मिले हैं इसी तरह हमें मिल जाए।